हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो मैं चुका नहीं वीडियो लेके और गैस आज को मैं नोवे रिपनोए में। तो गैस आज मैं डुओ खेल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी रैंक पुश करी जाए, सोलो और डुओ दोनों के अंदर ट्राई करेंगे, जिसके अंदर होगी देखी जाएगी। मतलब तो स्क्वाड पे अभी फोकस नहीं कर रहा मैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले के लिए मैं खेलूंगा, लेकिन वैसे रैंक पुश मैं सोलो या डुओ दोनों में करने ट्राई करूंगा, जिसमें होगी देखी जाएगी। वो जब हैकर्स आने चालू हो जाएंगे, जब हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदे के फुटस्टेप्स आ चुके थे, उसे नोक करता हूँ जल्दी से। मेरे टीममेट ने भी एक बंदे को उड़ा दिया, तो इसको भी हम किल कर देते हैं। इसके टीममेट को शायद मारा है मेरे टीममेट ने। और यहाँ पे भाई ऊपर खड़े होकर एक बंदा गोलियां चला रहा था, तो इसको भी मैं किल कर दूंगा पूरा। तो ये बंदा डायरेक्ट किल होता है, क्योंकि इसका दूसरा बंदा किसी और ने नोक कर रखा था। पर ये बंदे थे कुछ, तो मैं इनको मारने की सोचता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा होल्ड करता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं जाना चाहिए भाई। दो बंदे जब एक साथ स्प्रे दे रहे हूँ, मैं इन बंदों को ललचाता हूँ। वो मेरी तरफ आते हैं, सोचते हैं कि भाई मारते हैं इसे जल्दी से जाके। तो एक बंदे को मैं नोक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ, और फिर दूसरे बंदे को भी कर देता हूँ भाई खत्म। तो भैया मेरे टीममेट पे कोई बंदा डीपी से स्प्रे करने की कोशिश करेगा, तो निपटाते हैं उसे। तो इस बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा हिट देता हूँ, तो मतलब लो तो हो चुका होगा, क्योंकि M16 के भाई दो हिट गए। इसका मतलब छह गोलियां निकलती हैं दो हिट में, क्योंकि तीन तीन का बर्स्ट निकलता है, तो दो तीन गोलियां तो उसे लगी होंगी। और ये काफ़ी लो था, और भाई टीममेट आके भाई मार देता है इसे। तो यहाँ पे बोर्ड ज़्यादा खड़े, तो भाई निपटाते हैं इन्हें भी। तो यार वैसे मैं ब्रिज मतलब नहीं क्रॉस करता, हमेशा पानी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ब्रिज पे तुम्हें पता है फालतू में किसी के मतलब किल हाथ लग जाएंगे हमारे। लेकिन यहाँ पे फ्रेड ड्रॉप मंगा रखी थी, तो भाई इसलिए मैं ब्रिज से आ जाता हूँ, कि जल्दी से जाकर भैया लूट लेंगे। तो इन बंदों को हम किल कर देते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं भाई गाड़ी लेकर लूटने के लिए। तो यहाँ फ्लेयर ड्रॉप में से मेरे को MK14 मिल जाएगी, जो कि मैं ले लूंगा। तो एक तरह से तुम चैलेंज भी मान सकते हो ये वाला गेम MK14 ऑटो का। और गाइस MK14 बेस्ट है, तुम उस पर चीक पैड लगाओ, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप मैग लगाओ, या फिर एक्सटेंडेड मैग लगाओ, मतलब 20 गोलियां तो होनी चाहिए, और सप्रेसर लगाओ। मेरे को नहीं पता कंपनसेटर से भाई वो मजा नहीं आता, मतलब मुझे लगता है सप्रेसर ज्यादा मस्त चलाती है भाई MK14, और उसकी आवाज भी बहुत धांसू लगती है। तो भाई नीचे कमेंट में बताओ सप्रेसर या फिर कंपनसेटर लगाना चाहिए, मतलब रिकॉइल के लिए नहीं, मजे के लिए। मतलब तो इस बंदे को भी खत्म कर देता हूँ जल्दी से। ऊपर कैंप करा था, हमें फुटस्टेप दे दिए थे इसने, और डायरेक्ट किल हो जाता है। शायद इसका बंदा पहले ही मर चुका हो, या फिर सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा हो, कुछ पता नहीं है। तो भाई लूटते हैं इसे। तो पीछे की तरफ भी कुछ बंदे फायरिंग कर रहे, तो मैं हॉर्न बजा के मतलब चारों तरफ घूम रहा था। पीछे फुटस्टेप्स आ चुके थे हमको कि घर में बंदे हैं, तो मैं उसे मारने जाता हूँ, लेकिन बंदा फिर नहीं दिखता। और पता नहीं ये बंदा कहाँ से कूद गया, शायद ये हमारे घर के ऊपर कैंप कर रहा था और एकदम से अचानक से आ गया भाई। तो इसको मैं निपटाता हूँ जल्दी MK14 के साथ। और फिर ये बंदा भी मेरे को दिख रहा था, जो कि एंगल लेट था, लेकिन जैसे ही मैं उसे मारता हूँ एकदम से गायब हो जाता है, जैसे उसे पहले ही पता हो कि मैं झांकने वाला हूँ। तो यार थोड़ी हेल्थ करते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे पेन किलर पी रहा था मस्त, लेकिन भाई पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं एक बंदे के। अगर फुटस्टेप्स नहीं आते ना भाई, गारंटी गया था मैं यहाँ पे। वो बंदा एंगल ले चुका था, मेरे हेडशॉट भर चुका था, मतलब बस दबाने वाला ट्रिगर। लेकिन भाई उससे पहले कर देते हैं उसे खत्म। और यहाँ पे हमारे बोर्ड दादा आते हैं फिर से, तो निपटाते हैं इन्हें। तो सामने वाले बंदों पर मैं सामने से नहीं जाना चाह रहा, मतलब मैं सोच रहा हूँ लेजेंड उधर से फंसाए उन्हें, और मैं इधर से फ्लैंक कर दूँ उन पर, जिससे उन्हें पता नहीं चले। तो वही होता, मैं इधर आ जाता हूँ पोजीशन लेने, और वो मेरे टीममेट को मारेंगे, मैं उसे नॉक कर दूंगा उनके एक बंदे को, और फिर कर देंगे रश।
तो भाई यहाँ पे एक नेट भी फेंक देंगे प्यारा सा कुक करके। तो हम यहाँ इस बंदे में मैं काफ़ी ज़्यादा हिट देता हूँ MK-14 ऑटो की, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्ब लेजेंड उसे एक गोली मारता और ख़त्म कर देता लास्ट वाले बंदे को भी। तो यार यहाँ पे गाड़ी नहीं थी हम पे, तो बहुत ज़्यादा पैदल भक्के हम आए हैं, मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट में स्कूल चेक कर वहाँ बंदे नहीं थे और ऊपर से प्लेन भी जा रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे ड्रॉप गिराएगा, लेकिन भैया ऐसा होते नहीं, स्कैम हो जाता। तो मुझे लगा यार इसमें बंदा है, मतलब लेजेंड ने जैसा मेरे को बताया उसने देख लिया था बंदा, लेकिन पीछे दिख जाता हमें जो कि ट्रक के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और निपटाते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे एयर ड्रॉप आ चुके हैं और पीछे से मेरे को गाड़ी दिख चुकी थी, यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी थी, तो भाई देखते हैं बंदों को। तो एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, वो गाड़ी में बैठने ही वाला था, क्या सीन करना चाह रहा था कुछ नहीं पता, और फिर एक बंदा इधर से आ रहा तो भाई कर देते हैं सभी खत्म। तो जब वहाँ पे हम लूट रहे थे यहाँ से कोई बंदा स्नाइपिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो भाई देखते हैं इन्हें भी। तो ये बंदा जाने लगता है भाई गाड़ी में बैठ के, लेकिन MK-14 ऑटो भाई सच में, मतलब अगर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेल रहे तो ये बेस्ट गन है, मतलब कोई सोलो वर्सेस स्क्वाड में यार 20 गोलियां थोड़ी कम पड़ जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो भाई यहाँ पे एक गाड़ी फोड़ देता है कोई बंदा, तो हम उसका बदला लेंगे जल्दी से। तो उस बंदे को काफी लिट करता हूँ मैं, हाफ हेल्थ तो कर दी होगी, फिर आधी मेरे टीममेट खा जाता है, तो भाई चलते हैं उसे लूटने के लिए। तो जैसे हम इसे लूटते हैं साइड से भैया गोलियों की आवाज आती है, तो भाई चलते हैं उधर। तो दूसरे बंदे को भी मैं ही सारी हिट देता हूँ, वो एक गोली करता, लेकिन भाई एक गोली टीममेट मार देता तो किल उसके खाते में चला जाता है यहाँ पे। तो लास्ट बंदा बच्चों का, तो भाई ढूंढते हैं उसे भी। और गाइस यही था आज के वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। तो यार सीजन 9 का रॉयल पास आ चुका है, हमने मैक्स कर लिया है, और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमें देखनी है वीडियो, तो गाइस उसको एंजॉय करो, और गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। I've been keeping myself so busy.